हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एसिडिफिकेशन के बारे में, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। ये पार्ट होगा हमारा 18, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा है, और क्लाइमेट चेंज का ही एक एक्सटेंशन है, ये कुछ अलग से एक टॉपिक अलग नहीं है, क्लाइमेट चेंज का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो एसिडिफिकेशन का मतलब होता है एसिडिक प्रॉपर्टी का बढ़ना, ठीक है। तो मेनली जो एसिडिफिकेशन होता है, इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि एक एसिड रेन भी है, ठीक है। एसिड रेन क्यों होता है, इसको हम कई बार पढ़ चुके भी हैं, हम वाटर पोल्यूशन में भी हमने पढ़ा हुआ है, एयर पोल्यूशन में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन में भी हम एसिड रेन की बात कर चुके हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का वाटर के साथ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होने की वजह से, या उसके साथ ये जब वर्षा के साथ ये हमारे अर्थ सरफेस पर चले आते हैं, और वाटर के साथ ये दोनों मिलके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और वही एसिड रेन के साथ हमारे सरफेस पर आती है, जिसको हम एसिड रेन के बारे में को कहते हैं। नॉर्मली हमारी जो वर्षा होती है आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन का मतलब अगर हम पॉल्यूशन को नेग्लेक्ट कर दें, ये मान लें कि पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो फिर इस आइडियल केस में भी जो रेन वाटर होती है वो प्योर नहीं होती, यानी कि पीएच स्केल पर 7 उसका वैल्यू नहीं होता। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, ना बेसिक ना ही एसिडिक, तो 7 नहीं होता। एक नॉर्मल कंडीशन में भी रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक ही होता है, लेकिन वो उतना एसिडिक नहीं होता कि हम उसको एसिड रेन का नाम दे सके, ठीक है। तो एसिड रेन होने के लिए उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज 5.6 से लेके 7 तक, 7 के बीच में इसकी वैल्यू नॉर्मली भी रहती है, तो वो एसिड रेन उसे हम नहीं कहते हैं। एसिड रेन होने के लिए इसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये एसिड रेन है, अर्थ सर्फेस आने के बाद जो कुछ भी इसके रास्ते में आएगा, जहां पर भी ये गिरेगा, वहाँ पर उसको नुकसान होना ही है, चाहे वो लेक्स हो, स्ट्रीम्स हो, फॉरेस्ट हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, बिल्डिंग्स हो, कुछ भी हो, तो वहाँ उसको नुकसान पहुँचना ही है। ये जो एसिड डिपोजिशन होता है, ये दो तरीके के होते हैं, एक वेट डिपोजिशन होता है, एक ड्राई डिपोजिशन होता है। एसिड डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एसिड डिपोजिशन का मतलब ये हुआ कि एसिड जो है वो किन किन तरीकों से अर्थ सर्फिस पर आता है, ठीक है, यानी अर्थ सरफेस पर जमा होता है, तो इसी को हम कहेंगे एसिड डिपोजिशन। तो ये दो तरीके का होता है, एक वेट डिपोजिशन हो गया, एक ड्राई डिपोजिशन हो गया। तो जैसा कि नाम में ही है वेट एंड ड्राई, तो वेट डिपोजिशन का मतलब ये हुआ जब ये एसिड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, चाहे वो रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, चाहे वो फ्लेक्स हो, चाहे वो जो आइस ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके फॉर्म में हो, तो कहने का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर ये सरफेस पर आती हैं और जमा होती हैं, तब हम इनको कहते हैं वेट डिपोजिशन। क्योंकि एसिड्स क्या होती हैं, गैसेस हैं, जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो वो वर्षा के साथ या स्नोफॉल के साथ यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कुल मिला के जब सरफेस पर आती हैं, तो चूंकि वेट होती हैं, तो उनको हम वेट डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करती हैं कि नीचे आएंगे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को इनसे इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं, ह्यूमंस बीइंग है, ईच एंड एवरीथिंग, उस पर इफेक्ट पड़ना ही है। ड्राई डिपोजिशन का मतलब होता है कि जहाँ पर वेदर ड्राई हो, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो, वैसे कोई भी एरिया ऐसी नहीं होती है जहाँ पर बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो, थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहती है, जीरो कहीं भी नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकली। लेकिन फिर भी ड्राई डिपोजिशन वहाँ पर होता है जहाँ पर ये जो केमिकल एसिड केमिकल्स जो होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल या स्मोक के साथ ये अर्थ सरफेस पर चले आते हैं, ठीक है। और अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये ग्राउंड के साथ, बिल्डिंग के साथ, वेजिटेशन में, या जो भी जहाँ पर भी ये गिरेंगे वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं, तो इनको हम ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। और ये यहाँ पर अगर कभी वर्षा वगैरह हो तो वर्षा के द्वारा इनको वहाँ से हटा भी दिया जाता है, ओके। ड्राई डिपोजिट्स कैन बी वॉश्ड बाई रेन स्टॉर्म्स। तो ये दो तरीके के आपको एसिड डिपोजिशन होते हैं।
नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ कंपाउंड्स कॉजिंग एसिड रेन. एसिड रेन किन किन कंपाउंड्स की वजह से होते हैं? एक सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया. ठीक है, तो सल्फर के नेचुरल सोर्सेस और मैनमेड सोर्सेस. तो नेचुरल सोर्सेस, सी एंड ओशन से सल्फर का निकलना, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उससे निकलता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं इन द सॉइल, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन करते हैं, उसके द्वारा भी सल्फर क्या होता है वो एटमोसफेयर में ऐड होता है. मैनमेड तरीकों की बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल सल्फाइड ओर्स टू ऑब्टेन द प्योर मेटल. ठीक है, तो सल्फाइड ओर जो होते हैं उनको मेल्ट किया जाता है तो उससे भी सल्फर निकलता है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मेट्रोलॉजिकल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. नाइट्रोजन की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में भी खास करके यहाँ पर आप देखिए कि जो आपने पढ़ा होगा डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, या नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा होगा, तो उसका उल्टा, जहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिट्टी में जो मिक्स रहता है नाइट्रोजन, उसको वो डी नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा वो एटॉमिक नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता है. इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है मैनमेड, फॉरेस्ट फायर्स, कंबशन ऑफ ऑयल, कोल एंड गैसेस. नाउ इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन सॉइल पर क्या इनका इम्पैक्ट होता है? इससे क्या होता है कि एसिड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी एसिड जो केमिकल होते हैं, उनकी लीचिंग होती है. लीचिंग का मतलब यह होता है कि ऊपर के लेयर से नीचे के लेयर में जाना. ठीक है, तो जो सॉइल होता है उसमें ऊपर के लेयर से नीचे के लेयर में ये वाटर के साथ चले जाते हैं, तो इसलिए मिट्टी जो भी जो हो जाती है वो एसिडिक हो जाती है, और इससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. फर्टिलिटी कम होगी तो फिर आपका जो प्रोडक्शन होगा, यील्ड होगा, वो कम होगा. सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन पर ये एडवर्सली इफेक्ट देता है, उनकी जो रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं. साथ ही साथ ये अमोनिया को इनक्रीज करते हैं. अमोनिया को इंक्रीज करने से जो डिकम्पोजिशन रेट होता है, जो डिकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर्स का, वो डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाता है. नाइट्रेट लेवल ये जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा. साथ ही साथ ये जो एसिड रेन जो होता है वो, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें हम तो एसिड रेन इम्पैक्ट्स लेस इन केस ऑफ इंडिया बिकॉज इंडियन सॉइल्स आर एल्कलाइन. एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक. ठीक है, तो मेनली इंडियन सॉइल्स जो होती हैं वो बेसिक होती हैं, क्षारीय होती है जिसको हिंदी में कहते हैं. इसलिए इंडिया की सॉइल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए ये पीएच वैल्यू है, इधर जाते हैं तो प्लस होता है 1, 2, 3, और इधर जाते हैं तो -1, -2. ये पीएच वैल्यू हो गया जिसका न्यूट्रल 7 होता है. इधर आप जाएंगे तो इधर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज मिलती है, यानी कि प्लस की तरफ जाएंगे. इधर माइनस की तरफ जाएंगे तो इधर आपको एसिडिक प्रॉपर्टी मिलती है. तो इंडिया की जो सॉइल होती है वो मेनली बेसिक ही होती है, तो थोड़ा बहुत उसमें एसिड ऐड भी हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता. ठीक है, लेकिन ये भी वैरी करता है लोकेशन टू लोकेशन. पूरे इंडिया का एकदम ऐसा किस नहीं. वेजिटेशन की बात करें, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो रिड्यूस हो जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो जो माइक्रोबियल स्पीसीज होते हैं उनका प्रोलीफरेशन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि उनका डेवलपमेंट जो होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, साथ ही साथ अब ये देखेंगे कि जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली न्यूट्रलिटी यानी कि पीएच वैल्यू जब 7 होती है तो उस बेसिस पर, उस लेवल पर वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं. तो जहाँ थोड़ा सा भी बेसिक होगा या फिर थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा तो वो डिस्टर्ब होने लगता है उनका इकोसिस्टम. लेकिन फंगी जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंगी ये एसिडिक इन्वायरमेंट को ही प्रिफर करते हैं. तो फिर आपको फंगस से रिलेटेड जो प्रोसेस हैं, बीमारियां हैं, डिजीज हैं, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी. ह्यूमन बैड स्मेल, रिड्यूस विजिबिलिटी, इरिटेशन ऑफ स्किन, आईज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्स और डिजीज आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, क्रोनिक ब्रोंचाइटिस एंड
पुलमोनरी डिजीज आपको देखने को मिलेगी, कैंसर जैसी यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आपको हो सकती हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होगा, अब ड्रिंकिंग वाटर में एसिडिक होना, फूड का एसिडिक होना, और इसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एसिड ड्रेन के द्वारा कुछ डैमेज के बारे में बात की गई है, और उस में कौन मेनली एक पोल्यूटेंट होता है जिसका रोल ज़्यादा होता है यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि मेटल्स, मेटल्स किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, कोरोजन एंड टर्निशिंग, किस तरीके के यहाँ पर पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो सल्फर ऑक्साइड एंड अदर एसिड गैसेस। बिल्डिंग स्टोन्स जो होते हैं इन पर क्या इफेक्ट होता है, सरफेस इरोजन, स्वाइलिंग, ब्लैक क्रस्ट फॉर्मेशन, ये किसके द्वारा, सल्फर ऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ठीक है। जो सिरामिक्स या ग्लास होती हैं उन पर क्या इफेक्ट होता है, सरफेस कोरोजन, सरफेस क्रस्ट फॉर्मेशन, ये किसके द्वारा होती हैं, एसिड गैसेस, स्पेशली फ्लोराइड कंटेनिंग जो गैसेस होती हैं ये उनके द्वारा होता है। उसी तरीके से पेंट्स, ऑर्गेनिक कोटिंग, सरफेस इरोजन, डिसकलरेशन एंड सॉइलिंग, ये सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। पेपर जो होते हैं इन पर क्या इफेक्ट होता है, एम्ब्राइडलमेंट एंड डिसकलरेशन आपको देखने को मिलेगा, सल्फर ऑक्साइड इस तरीके से होता है। इस तरीके से बाकी फोटोग्राफिक मेटल्स, टेक्सटाइल, लेदर, रबर, ये सारी चीज़ें हैं, और इन पर क्या इफेक्ट होता है और मेनली कौन सा पोल्यूटेंट इन पर काम करता है ये आपको लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी को, यानी कि एसिडिफिकेशन को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली कंट्रोलिंग और इलिमिनेटिंग सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन, कैसे। अब मान लीजिए क्या होता है कि ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई एसिडिक मिट्टी है या कोई भी चीज़ है, इसमें आप कुछ बेसिक मटेरियल्स को ऐड कर दें, जैसे कि खास करके लाइम की जो चीज़ें होती हैं, चूना पत्थर वाली, जैसे कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो कोई अगर एसिडिक प्रॉपर्टी वाली मिट्टी है तो उसमें ये मिला दीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ SO2 फ्रॉम पावर प्लांट्स, या जो हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उसको हम कम कर दें, उसके जगह पे हम अल्टरनेट जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करें, जैसे कि टाइडल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, हाइड्रो पावर एनर्जी हुई, इसका हम यूज़ करें। सल्फर फ्यूल का हम कम यूज़ करें, इसके लिए अब आपको पता ही है कि भारत स्टैंडर्ड 6 अब आ गया है, जो कि अप्रैल 2020 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नई गाड़ियाँ जो होंगी वो BS4 की नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, खैर आजकल तो टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, तो आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं, खैर वो अलग मैटर है। चलिए, डिसल्फराइजेशन, सल्फर को कम करना, एंड डिक्रीजिंग इमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम पावर स्टेशन यानी पावर प्लांट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ इंजन्स, अगेन इसको आप जोड़ सकते हैं भारत स्टैंडर्ड 6 के द्वारा, BS6, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ भारत स्टेट्स इमिशन स्टैंडर्ड, ये वही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा आप SO1 यानी कि सल्फर ऑक्साइड को और भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, इसको कन्वर्ट कर दीजिए ईफोरिक एसिड में, या फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए एलिमेंटल सल्फर में। एलिमेंटल सल्फर का क्या मतलब हुआ, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं इसमें सल्फर भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो जो एसिड की प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिल के ही तो एसिड बनाएंगे, ये अकेले एसिड बना ही नहीं सकते, तो आप इनको एलिमेंटल सल्फर में भी इनको आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ न्यूट्रलाइजिंग इट एंड यूजिंग इट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर ये एसिड है तो इनको दूसरे कुछ प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कीजिए, ताकि ये बाहर एक्सपोज ना हो पाए, इन्वायरमेंट में इनको एक्सपोज होने से रोका जा सके या कम किया जा सके, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन कैसे होता है, ये होता है ड्यू टू एड ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर इन टू ओशियन। ओशियन की जो वाटर होती है ना वो एसिडिक नहीं होती, जो नॉर्मली सी वाटर होता है उसकी pH वैल्यू मोर देन 7 होती है, यानी कि वो बेसिक होता है करेक्टर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर ये ओशियन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर करने का काम करते हैं, लेकिन एक लिमिट से जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है,
तो 1 लिग्निट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर ओशियन में वो डिजोल्व हो रहा है, मिल रहा है, तो वो क्या करता है कि ये जो पीएच वैल्यू 7 है से ज्यादा है, बेसिक है, इनकी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे एसिडिक की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये मेनली होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने की वजह से। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है। अब डिफरेंट तरीके के यहाँ पर वेस्ट आते हैं, कुछ आपके एग्रीकल्चर से भी वेस्ट आते हैं, पानी के साथ बह के, नदियों के साथ या फिर जो नहर वगैरह होती है उनके साथ बह के आते हैं। तो अब खेतों में हम डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे डोमेस्टिक कुछ वेस्ट होते हैं उनमें भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, मिनरल्स केमिकल्स होती हैं, इंडस्ट्री से भी निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उनमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल्स जो होते हैं ये सारे के सारा सारे आके ये इस वाटर बॉडी में गिरेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर बॉडी गिरने की वजह से यहाँ पर एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, यानी एल्गी। आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कोई एक सी वाटर बॉडी होगी जो एकदम चारों तरफ ऊपर से एकदम वो भरा रहता है एल्गी की वजह से, ठीक है, जिसको हम एल्गल, हरा हरा आपको, जिसको हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं, ठीक है, वो भरा होता है। अब क्या होता है कि पूरा अगर वाटर बॉडी ऊपर से भर जाएगा तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है इस वाटर बॉडी में नहीं हो पाएगा, पहली चीज। अब इतने सारे ये एल्गल ब्लूम हो गया, एल्गी हो गए, इनको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा आपको बैक्टीरिया की जरूरत होगी, और जब ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे तो ज़्यादा डिकम्पोज होगा, तो ज़्यादा ज़्यादा डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ऑक्सीजन डिमांड जो होगा यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। और चूंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स है रिसाइकल नहीं हो रहे हैं क्योंकि एटमोसफेयर से ये कट गए, ये पूरा ऊपर से बंद हो गया है, तो ये बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे डिकम्पोज करने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जो भी फिशेस होंगे या उसके अलावा जो भी एनिमल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा, इसकी वजह से वो भी डेथ करना स्टार्ट करेंगे। वो डेथ करेंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे, और फाइनली ये करते करते ये पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स रिजल्ट इन एल्गल ब्लूम व्हिच कोलैप्स एंड सिंक टू द सी बेड, सब्सिक्वेंट रिस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग द एल्गी लीड्स टू द डिक्रीज इन सी वाटर ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो इसमें ऑक्सीजन होता है उसको कम कर देते हैं, और इसकी वजह से CO2 बढ़ जाता है, और अगेन CO2 बढ़ने का मतलब होगा कि पीएच वैल्यू कम होगी, यानी कि एसिडिफिकेशन आपको हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, अल्टरिंग द सी वाटर केमिस्ट्री एंड वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड ओशियन, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि जो ओशंस वाटर होते हैं ये बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते, तो एसिडिफिकेशन होने की वजह से उनकी केमिस्ट्री चेंज होगी, यानी कि अब बेसिक से एसिड की तरफ वो शिफ्ट करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैरिंग एलिमेंट्स होंगे, खास करके जो मलस्क होते हैं, आपको फोरामिनिफेरा होते हैं, मलस्क वो आप यूँ समझ लीजिए कि मलस्क जो स्नेल जो आपने देखा होगा, ये स्नेल्स जिसको घोंघा वगैरह भी कहते हैं, ये वो होते हैं, ठीक है। और फोरामिनिफेरा जो होता है ये भी एकदम बिल्कुल छोटे, आपको माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी काफ़ी छोटे होते हैं। साथ ही साथ एंड सम बेंथिक इनवर्टिब्रेट्स, ये कुछ होते हैं जो बहुत गहराई में पाए जाते हैं, ये कुछ एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं कि ये कैल्केरियस स्केलेटन स्ट्रक्चर इनका होता है, और इस ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये इस तरीके के कैल्शियम रिलेटेड इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको इनका फॉर्मेशन ये नहीं कर पाते एसिडिक होने की वजह से, क्योंकि हमको पता है ना कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये एक बेस, ये एक बेसिक है। तो अब ये फॉर्मेशन होने के लिए इसका मतलब बेसिक आपको इन्वायरमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर एसिडिक होने लगा तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, डिक्रीज तो ही होगा ना, ये डिक्रीज ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैरिन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है वो इन्फ्लुएंस होगी, एसिड बेस का इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम होने लगी, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी धीरे धीरे घटने लगेगी। इसके द्वारा एक्वेस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द ओशियनिक नॉइज।
डिक्लाइन इन कॉमर्शियल फिशरीज, डेफिनेटली ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो फिशरीज वगैरह ये जो भी आपको एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो मरना स्टार्ट करेंगे। मिटिगेशन, रिड्यूसिंग CO2, प्रोमोटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज टू कैप CO2 इमिशंस को कैसे कैप कर पाए हम, इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह भी हैं। इलिमिनेट ऑफशोर ड्रिलिंग बाय एडुकेटिंग फॉर एनर्जी इफिशेंसी, कम एनर्जी के यूज़ करके हम, कम रिसोर्सेज यूज़ करके हम अधिक से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। एंड अल्टरनेट सोर्सेज जैसे कि वाइंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों का हम यूज़ करें, तभी हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या डिफरेंट जो भी गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, इनके प्रोडक्शन या रिलीज को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से एसिडिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।